हाँ सर ये वाला दे दो, आप क्या कर रहे हैं? ओपन मत करो सर, ओपन मत करो, मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, प्लीज ओपन मत करो। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हम विजय सेल्स पे आए हैं जनकपुरी के अंदर, तो चलिए। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू अनबॉक्सिंग व्लॉग, और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ब्लूटूथ जो हमारी होती है नेक बैंड, ये हम लेकर आए हैं अभी, जैसा कि हमने दिखाया था अभी आपको विजय सेल्स जनकपुरी से, और ये हम दिखाते हैं इसमें, इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पैकेट में, इस तरह के पैकेट में आता है, ये बोट का आपका है, बोट का नेक बैंड है, नेक बैंड जो गले में डाला जाता है वो तो सारा दिखाएंगे अभी। इस तरह से इसकी पैकिंग आती है, और वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव था वो खोलने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने वहीं पे मना किया था, जैसा आपने देखा कि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो मैंने मना कर दिया था, उनको रिफ्यूज कर दिया था। तो मैं अभी ये अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप देखिए इसमें, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, और ये इसके ईयरबड्स भी दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें क्या क्या है वो सब खोलने के बाद ही हमें पता लगेगा। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। नेक बैंड बोट 255, ये जो हमारा आइटम है, जो नेक बैंड है, इसका जो मॉडल है वो है रोकर्स 255। तो रोकर्स 255 ये कितने का मिला है और मैंने बता दिया कहां से हमने लिया है, तो वो अब सब हम आपको अनबॉक्सिंग में ही सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे टेप लगी रहती है, तो इस टेप को ओपन करेंगे हम, तो ये ओपन होगी माय फ्रेंड्स, तो इसको ओपन करेंगे यहाँ से, इस प्रकार से ये ओपन हो गया, तो हमारा ये बॉक्स ओपन हो चुका है। तो इस तरह से ये बैंड रखा हुआ है, इसकी पैकिंग भी हम खोल के आपको दिखा देते हैं, ये इसकी पैकिंग है, ये इसका बॉक्स है, इसको साइड में रख देते हैं, इसमें ये दिया था, इसको भी हमने साइड में रख दिया, इसमें एक चीज और है वो भी अभी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, तो अब इसको दिखाते हैं। तो ये इस तरह से पैकिंग, मैंने बताया था इस तरह से पैकिंग है, और एक इसमें से ये भी निकला, इसके अंदर क्या है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको नेक बैंड, तो ये आप देख रहे हैं इसमें मैग्नेट होती है, ये नीचे ये मैग्नेट से जो है आपस में जो है स्टिक हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से इस तरह से, ताकि ये गले से निकले ना, तो मैग्नेट हेल्प करती है, किस तरह से हेल्प करती है वो भी हम बताएंगे। तो इसको सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, तो इसको हमने ऐसे निकाल लिया, तो ये है आपका फ्रेंड्स नेक बैंड, और ये है बोट का, जैसे मैंने बताया इसकी कीमत भी हम बताएंगे, मॉडल मैंने बता दिया है, बाकी और क्या क्या चीजें हैं साथ में वो भी देखते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है, तो ये है इसकी डाटा केबल, USB जिसको कहते हैं, तो डाटा केबल है, चार्जिंग केबल है, चार्ज करने के लिए इसको यहाँ पे लगाया जाता है, ऐसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखना होगा सबसे पहले आपको किस तरह से, तो इस तरह से, तो इस तरह से आप इंसर्ट, यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, और इसको आप अपने जो आपका चार्जर होता है उसमें इंसर्ट करते हैं, तो इसको भी निकाल देते हैं और उसको रख देते हैं, और दूसरी चीजें क्या है इसके अंदर वो भी हम देख लेते हैं। और इसमें फ्रेंड्स ये ईयरबड्स के ये लगे हुए हैं, यहाँ पे ईयरबड्स में जो प्रोटेक्टर लगे रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ और ईयरबड्स दिए हैं, इसके प्रोटेक्टर चार दिए हैं इसमें, आप देख सकते हैं ये फोर दिए हैं, ताकि ये इसमें से निकल जाते हैं कई बार खो जाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा में दिए हुए हैं हमारे लिए, तो इसके लिए इसको भी साइड में रख देते हैं। अब ये देखते हैं क्या है, ये हमें एक बुकलेट टाइप दी हुई है, ये आप देख रहे हैं इस तरह की, तो इसमें कई सारे आइटम जो बोट के हैं वो दिखाए गए हैं, आपके स्पीकर है, हेडफोन है, ये सब दिखाए गए आपका, तो इसको भी साइड रख देते हैं फ्रेंड्स। अब और देखते हैं ये क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि हाउ टू यूज इट, तो ये लिखे हुए हैं, इनको वैसे कोई पढ़ता नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में, आप पढ़ सकते हो अगर चाहे तो, पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। ये एक देखते हैं, ये उनका कार्ड है, वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी है इसकी, लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी है। वारंटी के लिए आपको कहाँ जाना होगा फ्रेंड्स, वारंटी के लिए आपको अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इसके कम जो सर्विस सेंटर होते हैं, इनके बोट के सर्विस सेंटर है, करोल बाग में सर्विस सेंटर है वह दिल्ली के अंदर, वहां आप जा सकते हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे हैं, जगह जगह पे है, तो इस जगह जहां हमने जहां से जनकपुरी से खरीदा विजय सेल्स से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसका जो सर्विस सेंटर है वो करोल बाग में नियर बाई जो सर्विस सेंटर है, तो अगर कोई दिक्कत आती, वैसे तो इनमें कोई दिक्कत आती नहीं है, ये सालों साल चलते हैं, तो इसको भी साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। एक चीज और है इसमें, वो भी देख लेते हैं क्या है, ओ ये एक बोट थ्रेड दिया हुआ है, एक स्टिकर दिया हुआ है, स्टिकर आप लगा सकते हो कहीं पर भी, यूज कर सकते हो इस पे, यहाँ पे भी चिपक सकता है निकाल के। चलिए फ्रेंड्स अब इसकी चेक करते हैं क्वालिटी, अब हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि इसकी वॉइस कैसी है, और इसकी चार्जिंग, सबसे पहले इसकी चार्जिंग हम आपको दिखा देते हैं, इसको अपने किसी भी जो एडेप्टर आपके पास होगा एडेप्टर में लगा देंगे और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं चार्जिंग, तो ये इसको हमने फ्रेंड्स जो है चार्जिंग पे लगा दिया, अब इसे ऑन कर दिया और देखते हैं इसमें लाइट जल रही है रेड कलर की,
और जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उन्होंने बताया था कि ये ब्लू कलर में हो जाएगा, तो देखते हैं ब्लू में होता है या ग्रीन कलर में होता है। ये फुल चार्ज हो गया, लाइट इसकी ब्लू हो गई है। तो गाइस अब हम चेक करते हैं इसकी क्वालिटी, वो इस क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको ये तीन बटन दिए हुए हैं, ये ऊपर वाला वॉल्यूम का है वो वॉल्यूम अप करने के लिए, नीचे वाला वॉल्यूम डाउन करने के लिए, और बीच वाला जो कॉल मिलाने के लिए, डायरेक्ट आप कॉल मिला सकते हैं। तो उसका लेफ्ट राइट का देख सकते हैं, इसको ऐसे रखना है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, बीच वाले जो बटन है, बीच वाला जो ये बटन दिया इससे ऑन होता है, तो उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने पर इसमें ब्लू कलर की लाइट आ रही है, ये देखिए आपको कभी कभी ब्लू कलर की लाइट इसमें दिखाई देगी। अब इससे इसको पेयर कर लेते हैं, तो पेयर करने के लिए फोन से पेयर करेंगे अपने, तो इसका ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद फिर इसको पेयरिंग पे चले जाते हैं और पेयरिंग फिर करते हैं इसकी पेयरिंग। तो अभी ये पेयरिंग दिखा रहा है और ये पेयर्ड हो गया। अब पेयर्ड हो गया था, उसके बाद इसको बैक जाते हैं और इसकी वॉइस पहले करते हैं हम यूट्यूब की किसी एक वीडियो पे चेक कर लेते हैं इसकी वॉइस, और उसको लगा लेते हैं पहले गले में ऐसे, आपको पता ही ऐसे डाला जाता है इसको, ये डल गया गले में। और ये लेफ्ट राइट का ये है, ये दिया हुआ इसमें लेफ्ट राइट का, और इसको कानों में इस प्रकार से डाल लेते हैं और ये फिट हो जाता है पूरी तरह से, हिलेगा नहीं, यहाँ पे ऐसे फिट हो जाता है, ये देख सकते हैं आप ऐसे इस तरह का। ये ऊपर आएंगे तो इस तरह से लेफ्ट राइट का ये भी पता चल जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक कोई भी एक वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करके देखते हैं साउंड क्वालिटी हमें चेक करनी है, तो किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आ रही है तो वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सही आवाज आ रही है, ये एक वीडियो चलाई हमने, अभी कॉलिंग करके भी दिखाएंगे। और ये वॉल्यूम अप करने का है और ये वॉल्यूम डाउन करने का है, तो ये वॉल्यूम डाउन हो गई है, अब हो गई है। क्या कहोगे तो मैं इसमें भी दिखा सकता हूँ आपको, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करके किस तरह से करता है वो दिखाऊंगा, मैं भी कॉलिंग में दिखाऊंगा क्योंकि अभी वीडियो चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी कॉल करते हैं, एक किसी भी एक फ़ोन पे कॉल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन पे कैसी क्वालिटी है इसकी, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, मुझे बंद करना पड़ेगा। चलिए अब कॉल लगाते हैं, इसे कॉल लगाते हैं किसी एक नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो चलिए पहला कॉन्टैक्ट नंबर है उसी पे कॉल लगा लेते हैं। हेलो, यस यस मिस्टर बोलो। देखो ये आप देख रहे हैं इससे वॉल्यूम डाउन हो रही है, मैं इससे कर रहा हूँ डाउन वाले से, और ये आप ऐसे करते हैं तो आप हो सकती है। तो डायरेक्ट कॉल कट करने के लिए, कॉल लगाने के लिए ये है आपका। तो हम बात करते हैं। हेलो मिस्टी, हाउ आर यू बेटा, हाय। चलिए ठीक है, हम क्वालिटी चेक कर रहे थे बस, अपने इस अनबॉक्सिंग की हमने उसकी क्वालिटी चेक कर रहे थे तो हमने कर ली। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, सी यू अगेन। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्वालिटी भी चेक करके देख ली है इसकी, सब एकदम बढ़िया है। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है इसकी प्राइस की, कितना इसका प्राइस है तो वो भी हम दिखा देते हैं प्राइस आपको। प्राइस इसके लेबल पे भी लगा हुआ था, वहाँ पे आ गया प्राइस वाला लेबल इसका। आई थिंक प्राइस टैग उन्होंने वहीं पे रख लिया हो, प्राइस टैग जो लगाया हुआ था इस पर, चेक कर लेते हैं एक बार। बोट का ये है, उन्होंने प्राइस टैग लगाया तो प्राइस टैग हटा लिया है, तो इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं। बेसिकली ये 1099 का था, तो हमने कुछ डिस्काउंट करा लिया, बार्गेनिंग, जैसे कि आपको पता है इंडियन लोग बार्गेनिंग तो करते ही करते हैं, तो हमने भी वहाँ पे बार्गेनिंग करी, तो बार्गेनिंग से हमें 49 रुपीज का फ़ायदा हुआ है, तो हमें 1050 का पड़ा है इसका बिल है। तो हमने वहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग की, जैसे इंडियन लोग करते हैं, हमारी खासियत है भारतीय लोगों की कि हम बार्गेनिंग जरूर करते हैं, चाहे हम मॉल में जाए, चाहे हम सड़क से खरीदें, कुछ भी खरीदें, तो बार्गेनिंग हमारा हक है करने का। बार्गेनिंग आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ रेट जो है सभी हाई रखते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडियन लोग आएंगे तो वो बार्गेनिंग जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अनबॉक्सिंग कैसी लगी है मेरी, कि आपको ये बोट का जो नेक बैंड है ये कैसा लगा, इसकी क्वालिटी, इसकी चार्जिंग मैंने सब कुछ आपको दिखाया, वो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इसका कौन सा सेक्शन आपको बढ़िया लगा वीडियो का, और वॉइस क्वालिटी कैसी है ये सब मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि कोई अगर ऐसी कमी रह गई तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अनबॉक्सिंग जब भी करूँगा या व्लॉग बनाऊँगा, तो अगर मेरी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, वो आपके कमेंट्स के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि आपके प्यार के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।